The ICMR. रिसेंटली ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने एक ऑलमोस्ट 150 पेज की गाइडलाइन इशू की है जिसमें 17 डायटरी गाइडलाइंस दी है और बहुत ही सिंपल और डीपली एक्सप्लेन भी की है। अब इस गाइडलाइन में प्रोटीन सप्लीमेंट की एक्सेस कंजप्शन से रिलेटेड कुछ साइड इफेक्ट मेंशन किए हैं जिनको लेके एक्सपर्ट इन्फ्लुएंसर्स उतर आए सोशल मीडिया पे बायस्ड यानी एक तरफा मिस इन्फॉर्मेशन। अब प्रोटीन के साथ साथ इस गाइडलाइन में और बहुत सी बेसिक येट पावरफुल लाइफ चेंजिंग चीजें मेंशन है ऑब्वियसली अगर आप अडॉप्ट करो तो। पहले तो मैंने गाइडलाइन को थोरली रीड करा समझा और फिर मैंने वो 3-4 आर्टिकल पढ़े जिसको सोशल मीडिया फिटनेस फ्रीक समझाने में लगे और 3-4 बायस्ड आर्टिकल के बाद मैं इस आर्टिकल पे आया जिसमें मुझे लगा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना कि आपकी सुनहरी कहानियां। दिस अमेजिंग आर्टिकल इज रिटन बाय डेफनी क्लेरेंस। थैंक्स डेफनी फॉर कीपिंग इट रियल। तो जैसा कि मैंने बताया कि गाइडलाइन 150 पेजेस के आसपास है और वाओ सबसे पहली चीज ही मेंशन है कि अंडर न्यूट्रिशन से लिंक्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे बीसिटी मोटापा टाइप 2 डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज। समझो इंडिया की और साउथ एशिया की जनता आपकी नॉर्मल रोजाना या पुश्तों से चली आ रही बीमारियां अंडर न्यूट्रिशन से है ना रोटी से है ना चावल से। समझो भैया इस बात। लेट्स मूव ऑन। 17 गाइडलाइंस में ICMR ने अर्ज किया है प्रोटीन सप्लीमेंट अवॉइड करने को साथ ही साथ अपने शुगर और ऑयल के इंटेक को कम रखते हुए एक बैलेंस्ड और डाइवर्स डाइट लेने को। अब डाइवर्स मतलब वैरायटी रखो अपने खाने में जैसे तरह तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स और बैलेंस्ड डाइट जिसमें रिक्वायर्ड कैलोरी कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए आपके मैक्रो सेट हो जिसे प्रोटीन कार्ब्स फैट्स कंज्यूम करना है। ये नहीं कि जैसे अपना ट्रेडिशनल इंडियन डाइट में चलता आ रहा है स्पेशली वेजिटेरियंस में हाई कार्ब्स हाई फैट प्रोटीन ना के बराबर। ICMR कहती है कि भैया बंदों को क्वालिटी प्रोटीन पे ध्यान देना चाहिए और अब यहाँ प्रोटीन सप्लीमेंट की क्वालिटी की बात नहीं हो रही नेचुरल फूड सोर्सेज से प्रोटीन आने वाले उसकी क्वालिटी की बात। और आपके प्रोटीन का सोर्स या डाइट आपकी बॉडी की एसेंशियल अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने चाहिए। एसेंशियल अमीनो एसिड्स नॉट फ्रॉम द सप्लीमेंट बट फ्रॉम द एक्चुअल फूड जैसे नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग्स और वेजिटेरियंस के लिए डेयरी। ICMR के अकॉर्डिंग आपका डेली प्रोटीन इंटेक 0.66 से 0.83 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट होना चाहिए। ये जनरल गाइडलाइन एक आम आदमी के लिए क्योंकि गाइडलाइन में कहीं भी जिम जाने वालों की रिकमेंडेशन का जिक्र नहीं किया गया और मेरे हम्बल ओपिनियन में ये एक आम बंदे के लिए भी काफ़ी कम रिकमेंडेशन है उसकी बॉडी की मसल्स को मेंटेन रखने। लेकिन देखते हैं कि ICMR प्रोटीन सप्लीमेंट को अवॉइड करने को क्यों कहे। तो भैया प्रोटीन सप्लीमेंट काफ़ी लाइमलाइट में आ गया है स्पेशली जिम जाने वालों के लिए स्पेशली वेजिटेरियंस में अपने डेली प्रोटीन टारगेट को पूरा करने के लिए। बिल्कुल सही बात है क्योंकि प्रोटीन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में रिच होते हैं बॉडी के फंक्शंस के लिए जिसमें मसल बिल्डिंग भी आता है। लेकिन ICMR ने मना क्यों किया भाई इतनी जरूरी चीज को फिर भी। एंड दिस इज वेयर इट गेट इंटरेस्टिंग। ICMR ने अर्ज किया लोगों से प्रोटीन सप्लीमेंट को अवॉइड करने को क्योंकि न्यूट्रिशन बॉडी का कहना है कि प्रोटीन सप्लीमेंट में शुगर हो सकती है स्वीटनर्स हो सकते हैं आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। ये आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाना चाहते हो वहाँ भी हो सकते हैं अगर वो एडिबल नहीं है। इवन एडिबल भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं। कमिंग बैक टू द गाइडलाइन आर्टिकल विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अपने प्रोटीन सप्लीमेंट्स के इंग्रेडिएंट्स को चेक करके लो स्पेशली अगर आप इंडिया में हो तो। और अगर अभी तक आप ये नहीं कर रहे तो फिर इस आर्टिकल से पहले आप पढ़ना सीखो क्योंकि आप उनमें से हो जिनको कोच मुट्ठी दबा के कोई गोली भी पकड़ा देगा ना बिना कुछ पूछे आप अपने शरीर में घेर ले। शीला जीत लेने वालों को ये बात काफी चुभेगी लेकिन शीला जोसेफ जो कि न्यूट्रिशन कंसल्टेंट है उन्होंने बताया कि प्रोटीन सप्लीमेंट एक आसान तरीका है अपने डेली प्रोटीन को कंज्यूम करने लेकिन ये जरूरी है कि आप अपनी डाइट में पहले होल फूड्स नेचुरल फूड सोर्सेस न्यूट्रिएंट डेंस फूड को पहले डाइट में रखो मतलब उनको प्रायोरिटी दो फिर सप्लीमेंट्स की तरफ भागो आपके मैक्रोज या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के जो कि अगेन कॉमन सेंस है भाई सप्लीमेंट फूड की रिप्लेसमेंट नहीं है वो एडिशन है। अगर आपका न्यूट्रिशन खाने से पूरा नहीं हो पा रहा है तो अपने आजकल के बच्चे सप्लीमेंट पर टिक गए। अनदर डाइटिशियन डॉक्टर देव जनू बैनर्जी ने बताया कि प्रोटीन सप्लीमेंट मेडिकल डॉक्टर की सुपरविजन में ही लेना चाहिए जिससे मैं पार्शली एग्री करता हूं क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया में प्रोटीन कंपनीज एक्सपोज हुई हैं जिसमें 70 से ज्यादा सप्लीमेंट कंपनीज मिसलेबल प्रोडक्ट बेच रहे थे। और मैं डिसएग्री इस वजह से करता हूं कि आज भी मेजॉरिटी डॉक्टर्स प्रोटीन सप्लीमेंट को रिकमेंड ही नहीं करते और डायरेक्टली मेडिकेशन के कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं स्पेशली वेजिटेरियंस के केस में प्रोटीन पूरा कर पाना बहुत डिफिकल्ट है इंडिया में तो वहां सप्लीमेंट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन डॉक्टर बैनर्जी ने यह भी बताया कि जहां प्रोटीन सप्लीमेंट मसल बिल्ड रिकवर और फैट लॉस को प्रमोट करने में हेल्प करता है तो अच्छा होगा कि अगर ये नेचुरल सोर्सेज जैसे पल्सेस नट्स एग्स और फिश से लिया अगेन कमिंग बैक टू नेचुरल फूड सोर्सेज। अब देखते हैं वो बात जिससे मैं इन्फ्लुएंसर्स को मैनिपुलेटिव और मिसलीडिंग बुलाता हूँ क्योंकि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि प्रोटीन सप्लीमेंट इज ओनली गिवन टू अ पर्सन व्हेन देयर डाइट इज इनसफिशिएंट
फॉर द प्रोटीन डिमांड। नथिंग न्यू, बट इतनी बड़ी बात ये इन्फ्लुएंसर से कैसे मिस हो गई साथ। अपनी अनपढ़ होने की गलती सप्लीमेंट से फेंकना बंद करो यार, सीधी सी बात। इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट संगीता अय्यर ने बताया कि ICMR की गाइडलाइंस इंडियंस, चाहे वो नॉन वेजिटेरियंस हो वेजिटेरियंस हो, उनको एक न्यूट्रिशनली डाइवर्स डाइट विद सफिशिएंट प्रोटीन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने को कहती है, जो कि अगेन बिल्कुल सही है। और सेम बात है कि पहले नेचुरल अवेलेबल फूड सोर्स को प्रायोरिटी दो, फिर सप्लीमेंट पे जंप। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है और कहा है आर्टिकल में कि लोग स्पेशली जिम जाने वाले पागल हुए पड़े हैं प्रोसेस्ड प्रोटीन के लिए बिना अपने बेसलाइन न्यूट्रिशन और डाइट को फिक्स किए। टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। और साथ ही साथ बोला है एनी इनसफिशिएंसी ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग एसेसिबिलिटी कन्वीनियंस एंड प्रेफरेंस फॉर ईटिंग अ सर्टेन वे कैन बी कंप्लीटेड यूजिंग अ गुड क्वालिटी वे प्रोटीन। आई लव दैट। इससे ज्यादा और क्या चाहिए जनता को, उनकी गाइडलाइन में खुद लिखा हुआ है वे प्रोटीन आप कब ले सकते हो और कैसा लेना चाहिए, कि आर्टिफिशियल कलर्स ना हो, ये सब ना हो। बट इन्फ्लुएंसर से कैसे मिस हो गई बात। अगर आप लोग डाइट छोड़ के सप्लीमेंट पे ही कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाओगे तो इसमें सप्लीमेंट कंपनी की क्या गलती है, उस वे प्रोटीन की क्या गलती है। वो नॉन लिविंग है, उसने आपको कन्विंस नहीं करा, सप्लीमेंट कंपनी ने आपको बेचा है और उनके नाम में ही सप्लीमेंट है, मतलब एडिशनल सोर्सेस नॉट द एक्चुअल फूड और मील रिप्लेसर। तो इस आर्टिकल में बेसिकली उन्होंने खुद ही बता दिया कि भैया अपनी डाइट को फिक्स करो, जो कि ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस वाली बातें बताई उन्होंने। प्रोटीन के लेवल्स रीड करो ऑल इन ऑल, ठीक है। शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर, इन सब अगर आप इन पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो रहे हो, ये सब आपकी बॉडी में जा रहा है, ऑब्वियसली वो हार्मफुल होंगे, राइट। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर आपकी डाइट से इनसफिशियंटी हो रही है प्रोटीन की, स्पेशली वेजिटेरियंस में या बॉडी बिल्डर्स में जो कि हाई अमाउंट में प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो ऑब्वियसली आप सप्लीमेंट यूज कर सकते हो, क्योंकि सप्लीमेंट एक एडिशनल सोर्स है, उसी के लिए बना है कि आपकी बॉडी की जरूरत पूरे करे जब नहीं हो पा रहा। सेम लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स, क्योंकि फूड सोर्सेज से या सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिल रहा, तो आपको विटामिन से मिनरल्स ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन कहीं भी इन इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं लिखा कि भैया मैं तो पहले ही कहा प्रोटीन बेटा है, प्रोटीन नहीं। ये ऑब्वियसली उनकी कैची हेडलाइंस के लिए न्यूज में अट्रैक्शन है, बट दिस इज नॉट द ट्रू स्टोरी। आप पूरी गाइडलाइन पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसीलिए मैं कहता हूँ सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। पहले किसी ने नहीं बोला, राइट? ट्रेडमार्क करवा देता हूँ इसको। पीस आउट गाइस, स्टे हेल्दी।